दिस इज IMT न्यूज। मैं रक्षंदा गाहिर, आप देख रहे हैं IMT न्यूज फ्रॉम लंदन। आज हमारे साथ जिन शख्सियत ने ज्वाइन किया है वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट पंजाब, माशाल्लाह 23 साल का तजर्बा है और तंदूरा प्रोडक्शन फार्मास्यूटिकल कंपनी में है और मार्केटिंग एसोसिएशन वुमेन चैप्टर पाकिस्तान की मेंबर है, MBA नेमन प्रोफेशनल फोरम की मेंबर है, कासिम फाउंडेशन की मेंबर है, कासिम अलीशा फाउंडेशन की मेंबर है और वाइस प्रेसिडेंट है ग्लोबल नेमन ऑर्गेनाइजेशन की, मिसेस शाहीन ताहिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह शाहीन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप सुनाइए, सब खैरियत है? और आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। जी शुक्रिया आप लोगों का भी फॉर इनवाइटिंग। जी शाहीन, तो शाहीन हम थोड़ा सा आपके हवाले से बात करना चाहेंगे, आपके स्ट्रगल के हवाले से, आपके एजुकेशन के हवाले से, तो प्लीज हम थोड़ा सा आपको बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम सबको, और मेरा नाम शाहीन ताहिर है और मैं मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक़ है। मैंने फार्मेसी किया हुआ है बाय एजुकेशन और मैंने MBA किया हुआ है। फार्मेसी मेरा जो है, फार्मासिस्ट हूँ मैं पंजाब से और मैंने MBA किया है कराची से। एंड आई हैव 23 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एज अ कंट्रोलर। मैं आजकल एक फार्मास्यूटिकल से वाबस्ता हूँ और लाहौर के अंदर मैं कर रही हूँ जॉब। इसके अलावा आपने मेरा इंट्रोडक्शन बता दिया कि मैं मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान से भी हूँ, कासिम अली शाह फाउंडेशन में भी है, इसके अलावा MPF मेमन प्रोफेशनल फोरम की भी मेंबर हूँ। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात को अनाउंस करूँगी बहुत खुशी से कि मैं GMO की जो है वो वाइस प्रेसिडेंट लाहौर चैप्टर की हूँ। एंड इट इज़ अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी के आई एम एज अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। देखिए जो मैं समझती हूँ कि पोटेंशियल जो होता है ना इंसान में बहुत ज्यादा होता है, हमें पता नहीं होता कि हमारे अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सारी सलाहियतें रखी होती हैं। बेसिकली हम उसको आइडेंटिफाई करके उसको अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। और मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि जो एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। आई बिलीव इन स्मार्ट वर्क। तो आप अपने टाइम मैनेज, और जो हम पढ़ते हैं हर वक्त, जैसे मैंने MBA में भी पढ़ा, अभी हम जितना ऑफिस का वर्क भी करते हैं, आपको पता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग टाइम मैनेजमेंट के ऊपर काम करते हैं और मैंने हर चीज़ को बड़ा कैलकुलेटेड होके कि मैंने बच्चों को कौन सा टाइम देना है, ऑफिस आवर्स अलग हैं। अच्छा, साथ में मेरा एक छोटा सा बिजनेस भी है, मैं एक एफिलिएट मार्केटिंग भी करती हूँ और जो घर बैठी खवातीन होती हैं उनको जो है वो ऑनलाइन बिजनेस भी प्रोवाइड करती हूँ, उनकी भी ट्रेनिंग करवाती हूँ। मैंने बताया कि आपके अंदर जो है ना, जब आप अपने आप को एंगेज करते हो ना चीज़ों में, आपके पास देखें टोटल अगर आप 24 घंटे देखें, 24 आवर्स यू हैव, तो 6 आवर्स तो आपका समझ लें कि आप अगर एक अच्छी नींद लेते हैं, एक हेल्दी जो आप एज ए बीइंग अ फार्मासिस्ट में ये जरूर कहूंगे कि आप अपनी नींद पूरी लें, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने अगर टाइम को कैलकुलेट करें कि मैंने इतना टाइम इसको देना है, इतना टाइम इसको देना है, प्रोडक्टिव देना है, तो आप सारे काम कर सकते हैं। और अगर आपके अंदर ये नहीं है कि मुझसे ये नहीं हो सकता, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप इसको मैनेज कर पाए। आप क्या समझती हैं कि मेंबर कम्युनिटी के जो बच्चियां हैं कितना वो आगे आएंगी, कितनी उनको परमिशन मिलेगी आगे, या वो अगर इस तरह कोर्सेज करती हैं तो जॉब की अपॉर्चुनिटीज उनको मिलेंगी या नहीं? जी ये बहुत अच्छा आपने मुझे सवाल किया है। देखिए हमारी कम्युनिटी के अंदर माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि मैं प्रोफेशनल ग्रुप में जब से आई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है। और पढ़ाई के साथ में दूसरी बात जो करना चाहूँगी वो स्किल्स की बात कर रही हूँ। लोग अब जो है ना स्किल्स की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जिस तरह मॉडर्नाइज हो गया है, जिस तरह IT की फील्ड है, जिस तरह सोशल मीडिया है, लोग इसमें जो अर्निंग है वो आम जो
बच्चे ताली लेते हैं, ताली नो डाउट आपको शाउट प्रोवाइड करती है, लेकिन लोग स्किल्स की तरफ भी जा रहे हैं और वेमेन कम्युनिटी जो है हमारा काम भी ये होगा, हमारा मोटिव भी यही है कि हम जो वालदैन जो उनको बताएं कि तालीम की अहमियत प्लस स्किल्स की, हमारे नज़दीक जो आईटी की वैल्यू है वो किस कदर है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे पता है कि अंडर द सुपरविजन ऑफ अनीस दावड़ा साहब, उमर भाई एंड शिराज साहब एंड हनीफ शेखानी साहब, इन तमाम लोगों की जो एक कोलैबोरेशन है हमारे साथ, इंशाल्लाह हम लोगों को अच्छी है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी है, तो हम उनको कन्विंस करेंगे। और आई होप सो कि मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ये लोग अपने जो एक नॉर्मल रूटीन से हटके अपने तालीम को जो है ना उस पर फोकस करेंगे, क्योंकि आजकल की डिमांड है, अगर अब नहीं किया ना तो फिर हम बहुत पीछे रह जाएंगे। आप तो बाइक पैशन पॉजिटिव हैं, तो आईटी की तरफ किस तरह फिर आपने कहा कि आईटी पोस्ट को और भी जी आप ये बड़ी अच्छी बात कर रही है। देखिए आईटी जो है ना बेसिकली जी 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 बिल्कुल, देखें अभी कोई भी डिपार्टमेंट आप अगर किसी भी फील्ड में चले जाएं कहीं पे भी आपको बगैर आईटी के कोई भी काम नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि देखें अभी मैं जब फार्मास्यूटिकल के अंदर हूँ, मैं ईआरपी सिस्टम को फॉलो कर रही हूँ, मैं सैप को फॉलो कर रही हूँ, आपको पता है ईमेल राइटिंग ये भी एक आईटी का पार्ट है। जब आप किसी हमारा मोस्टली काम कैलकुलेशन है, हमारे जो जो टेम्परेचर रेगुलेशन है वो सारा आईटी से रिलेटेड है, तो जब हम वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, फिर मैंने आपको बताया कि जब मैं ऑनलाइन कोर्सेज भी बच्चों को करवा रही हूँ, लड़कियों को जो घर बैठे काम कर रही हैं, तो वो भी जो है सोशल मीडिया की ट्रेनिंग है, वो कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग है। तो इसको अब तो आप ये समझ लें कि हर फील्ड के अंदर आपको जो है वो मैनेज करना पड़ता है। आप बाय प्रोफेशन आप फार्मासिस्ट हैं, तो आईटी की तरफ किस तरह आपका ख्याल आया कि मैं इस पोस्ट को अवेल करूं और मैं आगे बच्चियों के लिए रोल मॉडल बनूं? जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए आजकल की हर सिस्टम हर आप ऑर्गेनाइजेशन में जब तक आईटी आपका नहीं है, आपका इसमें अब मैं जैसे फार्मास्यूटिकल के अंदर हूँ, यहाँ पे हम ईआरपी सिस्टम कर रहे हैं, हम सैप सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, ईमेल तो आपको पता है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये तो आईटी हमारा समझे कि जिसम में और हाम में ना रच बस गया है। तो अब जब हम इवन मैं जो लड़कियों को ट्रेनिंग भी देती हूँ सोशल मीडिया की, मोनिटाइज कैसे करते हैं, यूट्यूब को मोनिटाइज कैसे करते हैं, अपने सोशल सर्कल्स को कैसे आप इनहेंस करते हैं, तो नो डाउट के आई हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस इन आईटी एज वेल। तो मुझे ये लगा कि आपके दौर के लिए जो सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है वो आईटी का है, फीमेल मेल सबको जो है ना एटलीस्ट आपका जो बेसिक्स आईटी के अंदर है ना वो आपको आना चाहिए। और इस सिलसिले में हमारी पूरी कोशिश है जीएमओ की कि हम आईटी की फील्ड को जो है वो प्रमोट करें और लोगों को कहें कि इसके अंदर आप जरूर अपनी जो है वो एक्सपर्टीज करें और अपने आप को ग्रूम करें, ताकि आगे जितना भी सिस्टम है इंशाल्लाह चलेगा वो आईटी का ही चलेगा। गरीब घरानों के बच्चे बच्चियां हैं और जो अभी ये अवेल नहीं कर पा रहे, जो वो चाहते हैं आगे बढ़ना चाहते हैं, माशाल्लाह हमारा बहुत टैलेंटेड है, बहुत टैलेंट है हमारे बच्चे बच्चियों में, तो क्या फाइनेंशियल सपोर्ट है डीएमओ की तरफ से? देखिए जीएमओ का जो मेन है वो अभी आपने अनीस भाई से भी अनीस दावरा साहब से भी आपका इंटरव्यू हुआ, तो वो यही कह रहे थे कि हमारा जो विजन है वो बहुत हाई है, हम ज़रूर इन लोगों को सपोर्ट करेंगे, इनको तालीम की तरफ लेके आएंगे, स्पेशली आईटी की तरफ लेके आएंगे। तो ऑब्वियसली ये तो आगे चल करके हम जब इस कोलैबोरेशन के साथ जाएंगे, सबके साथ एक हमारी कैलकुलेशन होगी और उसके ऊपर काम होगा, तो ऑब्वियसली ये बना ही इसीलिए कि हम लोगों की हेल्प आउट करें, जो लोग गरीब हैं उनकी हेल्प करें, और ये हमारा मेन टारगेट है, ये हमारा मेन समझो ऑब्जेक्टिव है। आईटी के लिए ही मतलब है बच्चों को, जैसे आगे ऑनलाइन एजुकेशन के हिसाब से, तो इस तरह तो हम देखते हैं बाकी फील्ड जो है जो बच्चों का इंटरेस्ट है, जो बच्चे मेडिकल की तरफ आना चाहते हैं या हमारा ई कॉमर्स हो गया उसकी तरफ आना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या जीएमओ काम कर रही है? देखिए अभी स्टार्ट है हमारा और बिल्कुल आपको मैं उसी इंटरव्यू का रेफरेंस दूंगी कि उन्होंने अनीस भाई ने ये भी कहा था कि हम इंशाल्लाह हम अपनी जो है ना एक्सटेंशन करेंगे, जिसमें हमारा मैट्रिमोनियल्स की तरफ भी हमारा प्लान है, हमारा नो डाउट। देखिए आईटी तो ई कॉमर्स के साथ रिलेट हो जाता है ऑब्वियसली, और आपको भी पता है कि जितना भी ई कॉमर्स में आजकल काम चल रहा है और जितना अमेजोन के ऊपर काम चल रहा है, तो ऑब्वियसली हमारा मेन एम यही होगा कि ना सिर्फ हमने सोशल मीडिया के ट्रेनिंग देनी है, हमने आईटी से रिलेटेड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के ऊपर लेके आना
आना है, प्लस हमने ई कॉमर्स की तरफ भी लेके आना है, और इसके अलावा हमारी एक्सटेंशन यकीन जो दूसरे लोग एजुकेशन करना चाहते हैं ऑब्वियसली हम ग्रेजुअली उसकी तरफ भी मूव ऑन होंगे। तो ऐसे आप वाइस प्रेसिडेंट क्या समझती हैं कि पेरेंट्स हैं कितना आप इजाजत देंगे अपने बच्चों को इस तरफ आने के लिए? खासकर मैं बच्चियों की बात करूंगी क्योंकि आप देखते हैं 18 से 20 साल की उम्र में आप कहते बस भी बच्ची बड़ी हो गई, चले जिनका रिश्ता ढूंढे और आप शादी करते हैं, बस ये आप आपका विजन आपका क्या है जी, बस शादी करना है और घर चलाना है, घर गृहस्थी करना है, तो इस सिलसिले में आप क्या करेंगे? देखिए अभी जो एज मैं देख पा रही हूँ, ठीक है ये बहुत अच्छी बात है, मैं इसको ये नहीं कहती हूँ कि 18 साल की हो गई और हमने शादी कर दी, ये भी हमारे मजहब का एक है कि हमने करनी चाहिए, लेकिन क्या ये लिमिट हो जाता है कि हमने शादी के बाद पढ़ना नहीं है या हमने इसको आगे नहीं चलना? ये तो ऑनलाइन है सारा काम, हम घर बैठे भी कर सकते हैं, आजकल खवातीन घर बैठे बहुत सारे काम कर रही है, मेरे पास जितनी भी मैंने बताया था कि जो बिजनेस कर रही है वो भी बहुत ऑनलाइन काम कर रही है, वो हाउसवाइफ है लेकिन हम उनको ट्रेन करते हैं, तो ऑब्वियसली जब हम इन चीजों में एंटर होंगे, उनके प्रॉब्लम सुनेंगे, उनके इश्यूज देखेंगे, तो ऑब्वियसली उसी हिसाब से हम अपने रिकमेंडेशंस देंगे कि आप इस तरह भी कर सकते हैं और लोग मानते हैं, और अगर अगर वो शादी के बाद भी करना चाहें दे आर मोस्ट वेलकम, और अगर वो पहले भी करना चाहें, क्योंकि लड़कियां आजकल पढ़ रही हैं, आपने भी देखा होगा क्या वो टाइम नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। मैं इस तरह से कहूंगी कि मैं खुशकिस्मत कहूंगी अपने आप को कि मेरे पेरेंट्स को पढ़ाने का बहुत शौक था, मेरी एक सिस्टर एमए इकोनॉमिक्स है, मेरी एक बहन डॉक्टर है, ऑडियोलॉजिस्ट है, भाई आईसीएम है, एक भाई ने आईटी किया हुआ है, तो हमारे घर में एक डिफरेंट माहौल है, तो जब मैं दूसरे लोगों के माहौल को देखती हूँ तो अब तो जो सबने ही पढ़ना शुरू कर दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट यही है कि जिस तरह ग्लोबलाइजेशन हो रही है, लोग आपको पता है कि एक एक बंदा सोशल मीडिया को यूज कर रहा है, हर कोई जान रहा है कि लोग कमा रहे हैं ऑनलाइन घर बैठे, तो हमारा पूरा प्रोग्राम यही है कि लोगों को ट्रेन करें, अगर वो शादी से पहले भी करना चाहती हैं बाद भी करना चाहती हैं, हम सबको इनको जो है वो प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह, और हर कोई अपने पैरों पे खड़ा हो, हम चाहते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट भी हो सकते हैं। मैं समझती हूँ कि हमारे इस बात से इंटरव्यू से जब हमारे जाएंगे तो काफी बच्चे हमारे पास आएंगे जो बेचारे नहीं कर सकते, जिनके पास फैसिलिटीज नहीं है, तो ये बहुत अच्छा काम शुरू किया है ग्लोबल वुमेन ऑर्गेनाइजेशन। नो डाउट, मैं आपको बताऊं, मैं यही कहूंगी कि अनीस भाई यानी दावा का जो विजन है ना, मैं उस यकीन के लिए जब हनीफ शकानी साहब ने मुझे ये प्रपोजल दिया और मैंने इसको स्टडी किया, तो मुझे यकीन करें एक जो चैरिटी और जो लोगों के लिए खिदमत करना, अब देखिए हम इस एज में आ गए हैं कि हमने एक बहुत बड़ा टाइम गुजारा दुनिया में, बहुत टाइम लोगों के साथ इंटरेक्ट किया, और बीइंग अ प्रोफेशनल पर्सन मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, और मैंने देखा कि वाकई हमारी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहां हम दूसरों के लिए बहुत कम है, चले हम पर्सनली तो बहुत सारे कुछ करते हैं लेकिन एक प्रोफेशनली और एक ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना मुझे बड़ा एक अच्छा लगा, अनीस भाई का एक विजन था और है और हम उसको लेकर के चलेंगे, साथ में जो इनकी टीम है मैं इन टीम को जरूर नॉमिनेट मेंशन करना पसंद करूंगी कि हनीफ शेखानी साहब हो गए, उमर साहब हो गए और शिराज साहब हो गए, तो इन सब ने बहुत काविश की है, इन्होंने सब की जो मैंने सिलेक्शन देखी, लोगों का विजन देखा, तो मुझे समझे कि मैं सोच रही हूँ कि जिस प्लेटफॉर्म के बारे में मैं सोच रही थी अल्लाह ताला ने वो जो है ना इस जीएमओ के रूप में मुझे मिल गया, और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि इसको हम एक मिसाली ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे ताकि लोगों को पता चले कि एक ऑर्गेनाइजेशन आई है जो हम माशाल्लाह आपको पता है कितने सारे हमने चैप्टर ऑन कर दिए हैं, तो वो सारे मिलकर जो हम काम करेंगे तो इंशाल्लाह एक ग्लोबल लेवल पे हमारा जो है वो रिकग्निशन इंशाल्लाह होगी। हमें बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुनके, आपके बारे में जानकर, पढ़े लिखे लोग ही आगे आएंगे तो हमारा माशरा भी पढ़ा लिखा माशरा बनेगा। Exactly. हमें इजाजत दीजिए, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इंशाल्लाह ताला फिर जरूर मुलाकात रहेगी आपसे, तो आपसे इजाजत चाहते हैं। जी जी शुक्रिया, बहुत शुक्र, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने एक अपॉर्चुनिटी दी हम अपने आप को एक्सप्रेस करने की, जीएमओ के बारे में बताने की और अनीस भाई की और उनकी टीम के बारे में बताने की, तो आपका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आप हमें बहुत जल्द बहुत आगे देखेंगे। जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज। आप देख रहे थे आईएमटी न्यूज़ फ्रॉम लंदन, आज की अच्छी बात
अमाल का दारोमदार नियतों पर है। अगर आपकी नियत अच्छी है तो आपके हर अमल, हर अल्लाह ताला कोई रुकावट नहीं करेगा उसके आगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहती रहे। तो अपनी नियत अच्छी रखें, आपके अमाल खुद बहुत दुरुस्त हो जाएंगे। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। रक्षिंदा जाहिद, IMT News, लंदन।